कुछ प्रकार की स्त्रियों से पतिव्रता स्त्रियों को बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लक्षण बताए, एक तो घर के बाहर बेवजह खड़ा नहीं रहना चाहिए, द्वार पे आते हुए जाते हुए लोगों को नहीं देखना चाहिए, चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। और जिस स्त्री का अपने पति से बात बनती नहीं हो, तलाक हो चुका हो, या मतलब इस प्रकार की स्त्री हो, अथवा जो स्त्री बहुत पुरुषों से बात करती हो, ऐसी स्त्री से भी बात पतिव्रता स्त्री को नहीं करनी चाहिए। एक और गजब की बात है, जिसने स्त्री शरीर होने पर भी संन्यास ले लिया हो, ऐसी स्त्रियों से भी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी संन्यासनियों से भी। मैंने अपने आप नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर मत मटका फोड़ देना। हां कि महाराज ये सबसे पुराण में लिखा हुआ है, और कहने वाली भी देवी है और सुनने वाली भी देवी है। ये देवकी नंदन नहीं कह रहा, देवी कह रही है, सिर्फ पुराण में स्पष्ट लिखा। जिस समय मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं, उसमें ज्यादा लिखा, कम इसलिए बोल रहा हूं जो आधुनिक युग में आप फॉलो कर सको, और ये हम फॉलो कर सकते हैं। जिसकी अपने पति से न बनती हो, उसे तुम आइडिया लेके क्या आइडिया लोगी बोलना, तुम्हारी तो बन नहीं है ना तुम्हारे पति के संग, फिर तुम उससे बात क्यों कर रही हो जिसकी बनी नहीं कभी, क्या आइडिया देगी वो बताना जरा, कृपा करके लॉजिक अपनाओ, जरा थॉट अपनाओ, बोलो क्या देगी वो, कोई अच्छी बात तो देगी नहीं ऐसे। अरे पति लोग ऐसे, पुरुष लोग ऐसे होते हैं, ये लोग मर्द लोग कभी नहीं बदल सकते, न जाने क्या कर। और कितनों के घर तो सिर्फ बात कर करके बिगड़ जाते हैं, कोई दोष नहीं, आपस में बनी है, सब बढ़िया है, लेकिन दूसरों ने आके ऐसे ऐसे श्लोक सुनाए, उसी से बिगड़ गया। अब बताओ कोई पतिव्रता स्त्री संन्यासिन के पास में बैठ जाए और वो वहां ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश चल रहा है, ये शरीर नश्वर है, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, कब तक रहोगी शरीर में, शरीर से ऊपर उठो, ईश्वर को पाने की कोशिश करो। अरे रुको, अभी क्यों बजा रहे हो ताली, अभी तो अभी घर नहीं टूटा, रुको, अभी तो ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ। ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो। कितने ऊपर उठे महाराज? बोले थोड़े से और उठो, यहां से यहां ले जाओ, ले गए, यहां आ गई, यहां आ गए, भूल जाओ ये संसार तुम्हारा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब पत्नी चली गई एको ब्रह्म में, पत्नी गई एको ब्रह्म में, द्वितीयो नास्ति मतलब हस्बैंड नास्ति, हस्बैंड गया काम, वो नाश हो गया उसका। तो अब शाम को आया हस्बैंड, तो पत्नी तो बैठी है, ध्यान लगा ऊपर उठ गई ना पत्नी, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पत्नी बैठी है द्वितीयो नास्ति में, और वहां पति आ गया, पति ने कहा चाय मिलेगी, बोले द्वितीयो नास्ति, भोजन बना कि नहीं बना, बोले द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म, बस एको ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है? बोले बिनु पग चले सुनए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि ए, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। ब्रह्म कैसा है? बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सदा आनन, कोई अंग नहीं है, सदा रस भोगी, द्वितीयो नास्ति। अब ब्रह्म कह रहा वो पति, अरे कचूना है तो नॉन ते रोटी दे दे। बोले आनन रहित सदा रस भोगी। अब बताओ घर बचेगा कि टूटेगा? हैं, जोर से बोलो, कौन तुड़वा गया? हैं, कौन तुड़वा गया? ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठो, द्वितीयो नास्ति एको ब्रह्म, ले है को भंडारो, घर गए काम थे। मैंने एक्सप्लेन किया, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, पतिव्रता स्त्री को
कभी भी ऐसी स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए जो संन्यास ले चुकी हो, उनसे दूर रहना चाहिए। इसीलिए बंधु हमने संन्यास नहीं लिया अभी, तो आप हमारी कथा में आ सकती हैं या द्वितीय नास्ती नहीं है, और यहां एक ब्रह्म की बात नहीं करते हैं हम, तो सीताराम भगवान की बात करते हैं, हम तो राधे श्याम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि सन्यासी नहीं है ना हम लोग। देखो तो गृहस्थियों का धर्म अलग है, सन्यास धर्म अलग है, और हर गृहस्थी को सन्यास ले लेना चाहिए। कब? एक उम्र होने के बाद, द्वितीय नास्ति शुरू में नहीं, लास्ट में जब लगे कि हां। तो यहां पर सिखाया है किसी भी तरीके से अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पति का अपमान करने पर स्त्री को जमपुर में दुख भोगने पड़ते हैं।